आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना AR रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना AR रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा।
बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना AR रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन जी के विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना AR रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन जी के विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा
14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुकी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंग स्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्टी के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती के मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ए आर रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ए आर रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्स चेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्स चेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्स चेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्स चेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना यार रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टार है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वह लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल, जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन, जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में, माइकल रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंडर के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था।
इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़ रुपए रखा। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285 से 305 करोड़ की कमाई की। इसे 25 अक्टूबर 2019 को दुनिया भर में जारी किया गया। इस फिल्म की कुल लंबाई 177 मिनट है। इसे GS एंटरटेनमेंट के द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म का छायांकन GK विष्णु का है। इस फिल्म को रूबेन के द्वारा संपादन किया गया है। फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय थिएटर रन भी पूरा कर लिया था। आगे कास्ट देखेंगे। फिल्म में विजय दोहरी भूमिका में माइकल, रायप्पन एक गैंगस्टर और तमिलनाडु महिला फुटबॉल के कोच के तौर पर, नयनतारा एंजल आशीर्वादन के प्रमुख भूमिका में होंगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जॉकी श्रॉफ है, जबकि विवेक ने नेस्ती के तौर पर अभिनय किया। आज मैं आपको बिगिल इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें बताऊंगा। बिगिल इस फिल्म को आधिकारिक घोषणा 14 नवंबर 2018 को की गई थी, जिसका शीर्षक थलापति 63 होने वाला था। इसने थेरी और मार्शल के बाद विजय और एटली का तीसरा सहयोग चिन्हित किया। इस फिल्म में मुख्य फोटोग्राफी 21 जनवरी 2019 को शुरू की गई, जहां इसे मुख्य रूप से चेन्नई और तथा दिल्ली में कुछ शेड्यूल हुए। 14 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया। इस फिल्म का गाना ER रहमान ने तैयार किए। विष्णु जी के द्वारा इसका छायांकन हुआ, जबकि रूबेन के द्वारा इस फिल्म के गीतों को रचा गया था। बिगिल को 25 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर जारी किया गया। यह 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभर कर आई। आगे इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर नज़र डालेंगे। फिल्म की कहानी माइकल की है, जो कि चेन्नई में एक गैंगस्टर है। अपनी झुग्गी बस्ती की मदद के लिए वह हमेशा आगे है। उसका एंजल आशी उर्वादम के एक अजीत रिश्ता भी है। एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका हर रोज झगड़ा चलता है। एक रात डेनियल ने माइकल और उसके करीबी दोस्त कथिर, जो तमिलनाडु में एक महिला फुटबॉल का कोच है, उस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कथिर काफ़ी घायल है और एक साल के लिए अब वो लकवाग्रस्त हो जाता है। माइकल का अतीत की कहानी दिखाई जाती है। माइकल जो कि एक महत्वाकांक्षी फुटबॉलर है, जो कथिर के साथ मिलकर तमिलनाडु फुटबॉल टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पिता रायप्पन जो कि एक क्राइम बॉस है, और उसका डेनियल के पिता अलेक्सजेंड के साथ झगड़ा है। रायप्पन फुटबॉल के प्रति माइकल के जुनून को हर समय प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराध के जीवन के बारे में उसे पता चले। इस फिल्म ने अपना बजट 180 करोड़